दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिहार डीएलएड का करेक्शन किस तरह कर सकते हैं, सुधार किस तरह कर सकते हैं। अगर आपने बिहार डीएलएड में ऑनलाइन अप्लाई किया है, कोई चीज़ गलत हो गया है, उसको आप सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आज बताने वाले हैं विस्तार से। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपने अप्लाई किया था, ठीक है। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद पहले रजिस्टर का ऑप्शन था, अब रजिस्टर का डेट ख़त्म हो गया, वो ऑप्शन हटा दिया गया। अब सिर्फ यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे और जो कैप्चर आपको देखने को मिला इस कैप्चर को यहाँ पे इंटर कर देना होगा, आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा तीन ऑप्शन, एक एडिट इन्फॉर्मेशन, प्रिंट और लॉग आउट। किसी चीज़ को सुधार करना है तो एडिट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप एडिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी को आप चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी, और यहाँ पे आप बहुत सारी जानकारी को सुधार कर सकते हैं। मैं आपको पूरा चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप डोमेस्टिक को चेंज कर सकते हैं, जनरल को, इंडियन को, कैटेगरी को, इंडियन रहेगा नेशनलिटी तो, और कैटेगरी को भी आप चेंज कर सकते हैं। डिसेबिलिटी वगैरह है तो उसको भी आप इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद मार्क डिटेल, बोर्ड नेम वगैरह, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको अपना नाम, कैटेगरी, सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ और डोमेस्टिक, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मार्क वगैरह को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तो चलिए यहाँ पे चेंज करने के, जो भी चेंज करना है उसको आप चेंज कर दीजिए। जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी चेंज करना है उसको चेंज करके न्यू कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर मिला है, इस कैप्चर को यहाँ पे इंटर कर देंगे। कैप्चर इंटर करने के बाद यहाँ पे टिक मार्का लगा देंगे। टिक मार्का लगाने के बाद आपको मिल रहा नीचे में सबमिट एंड कंटिन्यू, सबमिट एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। जो भी चीज़ सुधार करना है उसको आप सुधार करके यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू कर देंगे तो आपका ये सुधार हो जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से रसीद निकालना है, फिर से आपको लॉगिन करना होगा या बैक आ जाना, और यहाँ पे प्रिंट आइकन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप रसीद को फिर से प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप, हम मैं कर लेता हूँ लॉग आउट। इसी तरह आप सुधार कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बहुत सारे कॉमेंट आ रहा था कि पेमेंट कट गया है लेकिन पेमेंट शो नहीं कर रहा है और बता रहा है फिर से पेमेंट करने के लिए। अगर इस तरह आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पेमेंट गेटवे जो इंक्वायरी है, इन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, प्लीज कॉल, इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना और ये इस नंबर पे मेल से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पेमेंट रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये नंबर जो आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है और या ईमेल भी आप कर सकते हैं। ईमेल भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है, पेमेंट रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं इसी वीडियो में एक चीज़ और बता देता हूँ, बिहार में कितने कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि ट्रेनिंग कराता है टीचर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा। बिहार में जितने भी गवर्नमेंट का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज जो टीचर ट्रेनिंग कराता है, उसका क्रम संख्या, कोड और नाम, और उस कॉलेज में कितना सीट है, मतलब फुल मैक्सिमम कितना सीट है, तो यहाँ पे सारा चीज़ अभी इस यहाँ से देख सकते हैं किस जिला में है, पूरी बिहार की यहाँ पे दी गई है। तो इसी किसी कॉलेज में से आपका होगा अगर आप एग्ज़ाम में पास करते हैं।